उस गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू यू ग्रेट टैलेंट आर्ट। ग्रेट टैलेंट आर्ट में आपको स्वागत है। और मैंने जो पहले बताया था दो तीन टेक्निक जो गले पकड़ने वाला, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। और इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक हम आप लोग को बता रहे हैं, दो तीन टेक्निक और बताएंगे जो गले पे आपको कोई पकड़ ले दोनों हाथों से आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है बॉस, इसके बाद फिर हम लोग तीसरा टेक्निक देखेंगे, उसी जो गला पकड़ लेता है उसमें कितना सारा टेक्निक है, आप कितना तरह टेक्निक से आप जो है चुरा सकते हैं। अगर एक दो टेक्निक भी आपको याद रहेगा तो आप आराम से बच सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, चलिए कैसे पकड़िए दोनों हाथों से, देखिए दोनों हाथों से फिर आपको जोर से पकड़ा इस तरह, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बस वीडियो को फॉलो करते रहना है, आप आराम से इस पोजिशन से बच सकते हैं। ऐसा पकड़ा आपको जोर से, उतना ये हाथ को यहाँ से ये घुसाना है और ये झटका के साथ वापस लाना है। इसके बाद ये पोजिशन पे पंच मारना है, फिर ये पंच मारना है, ठीक है। देखिए फिर से पकड़िए, ये झटका के साथ ये, और इसके बाद ये बढ़ के ये मारना है, ठीक है। फिर से चलो दो बार चार बार देखना है, हाँ ऊपर आके, ठीक है। ऐसा पकड़ा आपको यहाँ से यहाँ पे घुसाना है और जोर के साथ हटाना है, और ये पंजरा पे मारना है, और ये पूरा पावरफुल पंच मारना है, ठीक है। वो अपने आप उधर जीत जाएगा। फिर से देखिए पकड़िए जोर से, जोर से आपको पकड़ा हाथ को यहाँ से, ये अचानक लेके जाइएगा पूरा तो समझ जाएगा, झट से ले जाइएगा, झट से पकड़ के झट से पंच, ठीक है। ठीक है अभी आपको घबराना नहीं है, सिर्फ देखना है फिर कैसे क्या करना है, ठीक है। ऐसा क्या किया जाता है टेक्निक को देखना है। देखिए ऐसा आपको पकड़ा जोर से, आपको बिल्कुल भी घबराना, पूरा झटका के साथ हाथ को यहाँ लेके जाइएगा ये अंदर, और इसको ए खेलिएगा, हो गया। इसके बाद इस पोजिशन पे मार के ये पूरा पंच, अब इसको मार यहाँ मार सकते हैं, इधर जाइए यहाँ पे मार सकते हैं, फेस पे मार सकते हैं, ठीक है, यहाँ मार सकते हैं, बहुत सारा है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से देखिए, हाँ ऐसा कोई पकड़ा आप इसको अंदर, ये स्लो पोजिशन आपको दिखाते हैं, आपको पूरा स्पीड करना है, ठीक है। फिर से पकड़िए, ये पकड़ा यहाँ से झट से, झट से पंच, पूरा पंच, इसका फेस पे भी आप मार सकते हैं उस समय, अगर आपको यहाँ दिखा है, लेकिन आपको उसको काबू करने के लिए फेस पे ही मारना है, ठीक है। ठीक है देखिए फिर से, ओके देखिए फिर से, अगर आपको ऐसा कोई पकड़ा तो बहुत सारे टेक्निक इसके पहले वीडियो पे आपको बताए हैं, उसको भी देखना है, और अभी दो तीन टेक्निक और बताएंगे उसको भी आपको देखते रहना है, ठीक है। तो जब तक नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको पकड़ा तो बहुत सारे टेक्निक बताए थे ये करना है, हाँ वो सब बताए थे बहुत सारा चीज़। अभी जो ऐसा कोई आपको पकड़ा तो आपको क्या करना है, ये हाथ आपका पूरा फ्री है ना, तो डबल ये पंच मारना है, घूसा मारना है, ये मार के अपर ये यहाँ पे पंच मारना है, ठीक है। देखिए फिर से, चलिए फिर देखिए, ऐसा कोई पकड़ लिया तो बिल्कुल घबराना नहीं, आपका हाथ फ्री है, पांच 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 मार सकते हैं, ये अपर कट हुक मार सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, ऐसा कोई जोर से कोई पकड़ लिया आपको घबराना नहीं है, और क्या मारना है ये पांच, वन टू थ्री, दाम दाम स्पीड आपको मारना है, देन अपर कट मारना है उसको, ठीक है। फिर उसको ये पकड़ के गिरा के फिर मारना है, बहुत सारा चीज है आपको आपको करना है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, फिर से आराम से आपको देखिए इसको, ठीक है। फिर पकड़ा आपको इस तरह, आपको ये वन पंच टू पंच कम से कम तीन दस पंच आपको मारना है, अपर कट मारना है, यहाँ पकड़ना है इसको, ये स्वीप मारना है, और ये मारना है, ये मारना है, आपको मार के आपको गिरा देना है, ठीक है, हो जाएगा। इसको करते रहिए दो तीन बार कम से कम, इसको देखिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आप लोग को फिर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर से आप वीडियो को वॉच कीजिए, आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा, और घर बैठे भी आप इसको कर सकते हैं। आप अगर कहीं सीखने भी नहीं भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको घर पे चार बार पांच बार वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जिस तरह आप मूवी वगैरह देखते हैं, गेम देखते हैं, उस तरह आप इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और मार्शल आर्ट को समझिए। ये हम लोगों का बहुत पुरखों का देन है जो आज हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमेशा थोड़ा सा देख के रखिए, है ना, ये इंडियन मार्शल आर्ट है, ठीक है। ठीक है बॉस, देखिए फिर देखिए, ऐसा गले पकड़ने वाला हमने आपको कम चार पांच टेक्निक बताया है, फिर से ऐसा आपको बता रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब छः सात टेक्निक सीख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोई पकड़ा आपको,
जोर से पकड़ा, आप भी उसको पकड़िए। इसके बाद ये झटका के साथ ये किक मारिए यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए फिर पकड़िए, फिर ऐसे जोर से आपको पकड़ा, ठीक है, आप उसको पकड़ लीजिए। आपको घबराना नहीं है, बस आपको याद करना है कि हमने क्या क्या वीडियो पे देखा, ठीक है। ऐसा कोई पकड़ लिया, आप भी उसको पकड़ लीजिए और ये झटके के साथ हिजा गिरी आप उसको यहाँ मार सकते हैं, ये सिर पकड़ के यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, फिर पकड़िए, देखिए ऐसा पकड़ लिया, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ देखना है, वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। ऐसा पकड़ा जोर से, आपको भी यहाँ पर पकड़ना है और पैर को पीछे करके झटका के साथ ये ग्रॉइंस पे उसको मारना है, ग्रॉइंस पे मारना है, यहाँ पकड़ के ये यहाँ पे मारना है, ठीक है, हो जाएगा, इसको करते रहना है, ठीक है, रेडी, ठीक है दोस्तों। तो इसके पहले हम दो तीन टेक्निक आपको गला पकड़ने वाला बताए थे और फिर से और एक टेक्निक बता रहे हैं, 6-7 टेक्निक आपके पास हो गया, उसको आप डेली रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को जो है बताएंगे पीछे से पकड़ता है तो कैसे मारा जाता है, उसमें भी 6-7 टेक्निक आपको बताएंगे। फिर इसके बाद हम आपको बहुत सारा टेक्निक भी सिखाएंगे, ठीक है, ओके। देखिए फिर से, तो ऐसे फिर आपको पकड़ा, पकड़िए इस तरह, पकड़ा आपको इस तरह, ठीक है, जोर से पकड़ा। तो क्या करना है, ये पोजिशन लेके ये नाक पे ऐसा है, ये नाक पे मारना है, ये नाक पे, ठीक है, ये नाक इधर से मारना है भाई, इधर से नाक पे ये जोर से पुश करना है। देखिए आपका अगर इधर से प्रॉब्लम हो तो ये आप बाहर से भी मार सकते हैं, ये मार सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा कोई पकड़ा आपको तो कुछ नहीं, पकड़ा यहाँ से जोर से पकड़ा आपको, नहीं खुलने देता, अचानक मारिए क्या नाक पे या जोर से, उसका नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं छोड़ा 2-3 बार जम के दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, ये कराटे जो सेल्फ डिफेंस है बहुत डेंजर है, ठीक है। लेकिन जैसे जिसके साथ आपको मतलब जिससे आप झगड़ा लड़ाई आपसे हो रहा है, तो उस समय जो है आपको जब गला आपका पकड़ा तो उसको आप रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आप मार थोड़ा सा आपको छुटाने के लिए मालूम हो गया, आप कैसे बच सकते हैं आपको मालूम है, कैसे मार सकते हैं मालूम है, तो जैसे आपको कोई पकड़ा तो आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज़ मेरे गले को छोड़ दीजिए, गले को छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं छोड़ता है आप उसको रिक्वेस्ट 2-3 बार आपको कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्शल आर्ट जो है ये डेंजर चीज़ है, आप किसी को मतलब आप मार देंगे, अपना डिफेंस में आप उसको मार सकते हैं, अपना बचाव करने के लिए तो मार ही सकते हैं। जब उसको अपना बचाव करने के लिए मारिएगा तो ऑटोमेटिक ब्लड वगैरह आएगा, हो सकता है कि कुछ ऐसा पुलिस केस भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। आप उसको हाथ भी जोड़ सकते हैं कि प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए, है ना, ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं छोड़ा तब आपको अपना बचाव करने के लिए उसको अटैक करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बॉस, गुस्सा एक चींटी को भी आता है, है ना, एक चींटी को भी ज़्यादा आप छेड़िएगा तो वो भी गुस्सा जाता है। उस तरह हम लोग भी मनुष्य हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई अगर हमारे साथ बार बार अगर छेड़खानी करे तो हम ज़्यादा तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं छोड़ा कोई बदमाशी करने लगा तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। बचाव करने के लिए आपको ये सब टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। तो ये वाला समझे, फिर से आप दोबारा इसको देख लीजिए, आइए, ठीक है, फिर से गला पकड़ने वाला आपको 6-7 टेक्निक आपको बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर और सारा टेक्निक देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर से पकड़ा आपको तो बहुत सारा इससे पहले टेक्निक बताए थे उसको याद रखिएगा और 6-7 टेक्निक को याद रखिएगा, कोई भी आपको याद आ जाए तो आप उससे आप जो है बच सकते हैं। सब पकड़ लिया तो क्या करना है, इससे पहले बताए थे बहुत सारे टेक्निक, यहाँ मारना है, ये यहाँ पे मारना है, ये सब मारना है, बहुत सारा बताए थे। अभी देखिए ऐसा कोई पकड़ लिया जोर से तो कुछ नहीं, अचानक ये अचानक नाक पे मारना, उसको ऐसा मारना है ताकि उसका नाक का बत्ती टूट जाए या भाई यहाँ से ये अपर ठेल सकते हैं, तो नाक का बत्ती को ये ठेल दीजिएगा तो ये बत्ती है ना ये टूट के अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा, उसका जो ब्लड है ना वो रुकेगा नहीं, वो स्पॉट डेथ हो सकता है, ये बहुत डेंजर चीज़ है। हाँ फिर से देखिए, चलिए सर इसको, लेकिन जब किसी कोई आपको अटैक करे ऐसा कोई पकड़ ले तो आप उसको रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा कि गला को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मार्शल आर्ट को जानते हैं, सीख रहे हैं, जानते हैं टेक्निक को जानते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। फिर देखिए पकड़ लिया आपको ऐसा, तो क्या करना है, ये पोजिशन पर ये जोर से धक्का मारना है, ठीक है, जोर से धक्का मारिए, वो आपका यहाँ छोड़ देगा और गिर जाएगा, नाक को पकड़ेगा, देखिएगा ब्लड वो पूरा नीचे तक गिरते आएगा, ठीक है, यह आदमी स्पॉट डेथ हो सकता है इस पोजीशन पे, ठीक है बस। तो आप वीडियो को हमेशा फॉलो करते रहिए,
मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार राय। आपको अगर मेरे साथ अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग करना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो आपको बना के दें, आप इसको वॉच करके आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी अगर सेल्फ डिफेंस के बारे में और कुछ अगर जानना हो कि हम अपना डिफेंस कैसे कर सके, इस पोजीशन पे अगर आ जाए तो कैसे कर सकेंगे, तो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा प्लीज़। हम आपको कोशिश करेंगे उस वीडियो को डालने के लिए, ताकि आपको बता सकें कि उस पोजीशन में हम कैसे बचाव कर सकें, उसके बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अब अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर कहीं पे जानकारी आपको लेना है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है बस।